देखिए आज नेस्टेड लूप के अंदर बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ प्रोग्रामिंग के द्वारा। देखिए सबसे पहले हम लोग ऊपर ऊपर हेडर फाइल का यूज़ करते हैं, जैसे आई यू स्ट्रीम डॉट एच हमने यूज़ करते हैं, और उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखा जाता है, मेन हो गया। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, बोर्ड के कोर्स को समझाया था, कहा था कि इसको प्रैक्टिकली हम लोग रन करके देखेंगे। तो प्रैक्टिकली आई ब्रावो 1 आई लेस देन 5 मतलब 5 लाइनें ये चेंज करेगा इसके कारण। अब अगर जैसे मैं शुरू से आपको बताता हूँ एक बार, फिर उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा सा चेंज करेंगे कि कैसे। मैंने पहली चीज़ आपको बताई थी, मैंने कहा था भाई हम अगर जे लेते हैं यहाँ पे तो ये इस तरह से उस चीज़ को क्या करेगा, शो करेगा, ये इस तरह से आपकी स्क्रीन पे आएगा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा 1 2 3 4 5। और इसी तरह से मैंने आपको बताया था क्यों दिखाई देगा, क्योंकि जे जो है वो 1 से 5 बार चलेगा, क्योंकि 5 लाइनें चेंज होगी, किसकी वजह से, आई की वजह से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे आई लिख दूँ, बस ज़रूरी है कि आप पहले वाला वीडियो ज़रूर देख के रखें, तभी आपको ये वाला जो है कोडिंग जो है वो समझ में आएगी। इसको मैंने रन किया और इसके अंदर ये 1 1 1 2 2, क्यों, आई की वैल्यू पहली बार जो है वो 1 होगी, तो 5 बार जे का जब लूप चलेगा तो 5 बार 1 1 1 प्रिंट करेगा। देखो आई बराबर 1 है और उसके बाद में जे बराबर 1 है, और आई की वैल्यू जब 1 है तो 1 से 5 तक जब ये लूप चलेगा तो 5वां 1 हो जाएगा। अगली बार आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, 2 हो जाएगा, और 2 को 5 बार ये क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट चीज़ देखें, जो मैंने आपको बदलाव बताया था कि अगर हम लोग जे को आई तक चलाते हैं तब हमारा ट्राइंगल कैसे बनेगा। देखो आई है हमारा 1 है, तो जे का जो लूप है वो 1 से 1 तक चलेगा, मतलब एक बार लूप चलेगा, और अगली बार जब ये आई की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी तो अगली बार 1 से 2 तक लूप चलेगा, मतलब हमारा ट्राइंगल जो है वो इस तरह से बनेगा 1 1 2 1 2 3 4 5। इस तरह से आपको ये क्या करेगा, शो करेगा। इसी तरह से अगर हम इसको आई से स्टार्ट करते हैं और इसको 5 पे ख़त्म करते हैं तो ये ट्रायंगल हमारा कैसा बनेगा, रिवर्स बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि आप इसको 1 से शुरू करेंगे, 5 पे ख़त्म करेंगे, 5 बार चला, अगली बार आई 2 हो जाएगा, 2 से 5 4 बार ही चलेगा, फिर आई 3 हो जाएगा, 3 से 5 3 बार चलेगा, मतलब ये इस तरह से आपकी वैल्यूज़ को क्या करेगा, प्रिंट करेगा 1 2 3 4 5 2 3 4 5 3 4 5 इस तरह से। अब देखिए इस चीज़ को हम लोग वापस से आई तक चला रहे हैं, अब इसमें हम सीरीज डालना, मैं आपको बताता हूँ। सीरीज नॉर्मली अगर हम ए को ले रहे हैं, कोई भी सीरीज, जैसे मान लीजिए ए बराबर मैंने लिख दिया 1, सेमी कॉलन लगाया, और यहाँ पर ए बराबर ए प्लस क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, मतलब 2-2 का इंक्रीमेंट ये करेगा। अब ये 2-2 का इंक्रीमेंट करेगा तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, ए लिख दिया। अब ये लूप तो एक बार ही चलेगा तो एक ही प्रिंट होगा, दूसरा लूप 2 बार चलेगा तो 1 और 3 2 प्रिंट होंगे, क्योंकि 2-2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। फिर 3 बार लूप चलेगा, 3 बार लूप इसलिए चलेगा क्योंकि आई पे ख़त्म हो रहा है, तो 1 3 5 प्रिंट हो जाएगा। तो मतलब ये इस तरह से आपका आउटपुट जो है वो प्रिंट होगा, 1 3 1 3 5 7 9 कुछ भी। अब इसमें बेनिफिट ये है कि आप सीरीज कुछ भी बदल सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप इसको 2 4 6 वाली सीरीज अगर चलाना चाह रहे हैं तो ये 2 4 6 वाली आपकी सीरीज इसके अंदर चल जाएगी। सीरीज के जो है ये देखो 2 4 6 8 10, और इसी तरह से अगर मान लीजिए आप सीरीज को चेंज करना चाहते हैं माइनस में है तो आपको कुछ भी बदलाव नहीं करना, आपको यहाँ पर केवल माइनस लगाना है, इसके अलावा कुछ भी इसके अंदर चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ये सीरीज जो है वो आपकी 10 10 8 10 8 6 10 8 6 4 2 इस तरह से प्रिंट हो जाएगी। तो सीरीज कोई भी आप इसमें लगा सकते हैं, लेकिन ट्राइंगल जो है वो आई तक लिखने के कारण आपका जो है ये जो आपका ट्राइंगल जो है वो आपका कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो उसके अंदर हम लोग सीरीज कुछ भी बदल के हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। अब इस सीरीज में भी आप तरीका देखें, अगर मान लीजिए 1 3 5 7 की सीरीज है और आपने ए बराबर ए प्लस 2 लिखा हुआ है, अभी देखें अभी ये जो सीरीज जो आपकी आ रही है, ये सीरीज आपकी इस तरह से आ रही है 1 1 3 1 3 5 1 3 5 7 इस तरह से आ रही है। लेकिन अगर जैसे कि मैंने बोर्ड पे आपको समझाया था पिछले वीडियो में, इसको आप हटा कर इसको अगर आप यहाँ लिख देंगे और ये a बराबर a प्लस 2 है, इसको भी आप यहाँ से हटा कर यहाँ लिख देंगे, तो ये जो सीरीज जो है वो आपकी इस तरह से आने लग जाएगी।
एक तीन तीन पाँच 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 सात 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 नौ 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 इस तरह से। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू वन होगी, लूप जो चलेगा वो एक बार चलेगा, अगली बार ए की वैल्यू तीन हो जाएगी, लूप जो है वो दो बार चलेगा तो तीन तीन दो बार प्रिंट कर देगा, अगली बार पाँच हो जाएगी, लूप एक से आई तक तीसरी लाइन तक तीन बार चलेगा, तो इस तरह से ये आउटपुट आपका क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। मतलब बाहर लिखने से आपकी सीरीज में ये फ़र्क पड़ता है। इसी तरह से अगर आप इसको आई से शुरू करते हैं तो ट्राइंगल आपका उल्टा बनता है, जैसे मैंने अभी आपको शुरू में ही बताया था, फाइव तक आपने चलाया, अब ये सेम ही सीरीज आपकी बनेगी, लेकिन वन 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 पहली बार क्योंकि पांच बार चलेगा तो वन 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 को पांच बार प्रिंट करेगा, फिर थ्री थ्री को चार बार प्रिंट करेगा, फिर फाइव फाइव को थ्री टाइम्स, फिर सेवन जो कि नाइन को फाइव टाइम करना था उसके बदले भी इसको एक बार ही प्रिंट करेगा। और इसी सीरीज को उल्टे के अंदर अगर आप अंदर लिखना चाहते हैं तो आप ए बराबर वन यहाँ लिख देंगे और ए बराबर ए प्लस टू जो है उसको भी आप इसके अंदर लिख देंगे, तो आपकी जो सीरीज जो है वो चलेगी तो उल्टी, लेकिन उसके अंदर इस तरह से वन थ्री फाइव सेवन नाइन, वन थ्री फाइव सेवन, वन थ्री फाइव, इस तरह से आपकी सीरीज को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। अब इसी तरीके से अगर हम स्टार को जो प्रिंट जो कर रहे हैं उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अब मैं स्टार पैटर्न के द्वारा आपको इस चीज़ को समझाता हूँ। अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं इसके बदले स्टार कर दूँ, अब मैंने स्टार कर दिया, तो ये जो आपका प्रिंट जो होगा ये पैटर्न के अंदर आपका स्टार प्रिंट होगा वो भी उल्टा। और इसी तरह से अगर आप इसको वन से शुरू करेंगे और आई पर ख़त्म करेंगे तो ये जो आपका स्टार जो प्रिंट होगा वो आपका कैसा प्रिंट होगा, सीधा प्रिंट होगा, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था। अब इसी के अंदर मैं थोड़ा सा चेंज आपका करता हूँ, मैं इस ट्राइंगल की शेप जो है जो इस तरफ आ रही है उसको उस तरफ भेजने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर स्पेस कर दूँ, स्पेस के बदले मैं डैश लगा देता हूँ और ये मैंने हटा दिया, ये मैंने हटा दिया, उसके बाद में अब नेक्स्ट जो चीज़ है इसके अंदर हमने यहाँ से वन से इसको शुरू किया और इसको कहाँ ख़त्म किया, आई पे, और इसके बदले मैंने क्या लगा दिया, स्टार। अब देखो होगा क्या, पहली बार आई वन होगा, वन से ये जो लूप जो चलेगा ये चलेगा आपका फाइव टाइम्स, तो पांच बार चलेगा, पांच डैश आ जाएंगे, उसके बाद वन से वन तक क्योंकि आई की वैल्यू वन है एक स्टार आएगा, अगली बार आई दो हो जाएगा, आई प्लस प्लस होगा, दो हो गया तो ये दो से पांच तक चलेगा और चार डैश आएंगे, दो से पांच चार बार होते हैं, चार डैश हो गए, और ये वन से आई तक दो स्टार प्रिंट करेगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर आई कितना हो जाएगा, तीन, तीन के लिए तीन से पाँच तक कितने डैश हो गए, तीन डैश हो गए, और एक से आई तक कितने स्टार हो गए, तीन बार चला तीन स्टार हो गए। देखो ये जो शेप जो थी वो अगर आप देख रहे हैं तो ये शेप जो है इसका मुंह इस तरफ हो गया, ट्रायंगल में एक है, फिर दो है, फिर तीन है, फिर चार है, क्यों, क्योंकि इस तरफ पहले डैश आ रहे हैं फिर ये स्टार आपके प्रिंट हो रहे हैं। अब देखो इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ आपका, ये सेम टू सेम, ये जो लूप आपने चलाया ये वाला सेम लूप मैं दो बार लिख देता हूँ, जब मैं दो बार लिख दूंगा तो अब देखेंगे क्या होगा, पहली बार वन होगा, वन से फाइव तक पांच डैश आएंगे और एक स्टार आएगा क्योंकि एक बार ही चलेगा, ये भी एक बार चलेगा, दो स्टार आएंगे, फिर अगली बार आई दो होगा तो दो से पाँच तक चार तो डैश आएंगे लेकिन दो दो स्टार आएंगे, तो ये इस तरह से छपेगा, पिरामिड बनना शुरू हो गया। अब पिरामिड को थोड़ा सा अगर आप दो स्टार के बदले एक स्टार कर दें तो थोड़ा सा नुकीला बन जाएगा, नुकीला। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो लास्ट वाला जो है उसका एक इक्वल टू जो है वो आप हटा देंगे और हटाने के बाद ये इस तरह से आपका शेप जो है वो दिखाई देने लग जाएगा। अब बात को समझिए, ये सेम कोडिंग, ये वाली सेम कोडिंग अगर मैं दो बार पेस्ट करूँ, अभी दो बार मैंने इस कोडिंग को क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ये हमारा एक बार है और ये हमारा ऊपर वाला दो बार, दो बार कर देंगे तो एक ट्राइंगल के नीचे एक ट्राइंगल आ जाएगा, कैसे बन रहा है ये तो मैंने आपको बता ही रखा है, एक ट्राइंगल के जस्ट नीचे। अगर इसकी कोडिंग ये जो उल्टे वाला लूप है और ये जो दो सीधे वाले लूप है अगर इसको आप बदल दें तो आपका ट्राइंगल जो है वो रोम्बस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, कैसे हो जाएगा वो देखें आप। पहले तो आप ये समझिए, मैं इसको थोड़ा सा शेप में कोई डिज़ाइन अलग सा डाल देता हूँ, मान लीजिए डॉलर का सिंबल है,
अब आप देखें आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक हिस्सा ये है आपका ट्रायंगल सीधे वाला, एक ट्रायंगल आपका स्टार वाला सीधे वाला, एक ट्रायंगल आपका डैश वाला। इसको हम उल्टा कर देंगे, उल्टा, और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, सॉरी इसको हम सीधा कर देंगे और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। अब देखो उल्टा और सीधे का मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर हम इसको वन से लेकर आई तक चलाते हैं तो पहली बार वन से वन एक बार, फिर वन से टू दो बार, फिर वन से थ्री तीन बार, फिर वन से फोर चार बार, इस तरह से चलता है। तो ये डैश जो है ऑटोमेटिकली आपके बढ़ते हुए हो जाएंगे। और यहाँ पर आप इसको जो वन से शुरू कर रहे हैं उसको आप आई से शुरू करेंगे और इसको आप फाइव पे ख़त्म करेंगे, तो ये वन से फाइव पहली बार ज़्यादा चलेगा, फिर और कम होगा, फिर टू से फाइव, फिर थ्री से फाइव, धीरे धीरे कम हो जाएगा। यही सेम चीज़ हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर हम इसको आई ले लेंगे और यहाँ पर हम इसको क्या ले लेंगे, फाइव ले लेंगे। तो ये आपकी जो शेप है ये इस तरह से ये आपकी शेप बन जाएगी, एक रोम्बस शेप बन जाएगी। अब इसको भी थोड़ा और बढ़िया अगर आप दिखाना चाहें तो इस स्टार को आप हटा दें, इसको आप स्टार ले लें क्योंकि चीज़ आपको समझ में आ गई है, और ये जो डैश है ये आप हटा दें, और यहाँ पर ये जो डैश है इसको आप हटा दें, और अब आप इसको रन करके देखें तो ये आपका एक सुंदर सा ट्रायंगल जो है वो आपका बन जाएगा, रोम्बस शेप बन गई। अब इसी शेप को एक शेप और अगर हम लोग बनाना चाहें तो शेप को अगर मान लो मैं बटरफ्लाई इसमें आपके बनाना चाहता हूँ, तो देखो बटरफ्लाई के अंदर हम करना क्या चाहते हैं वो चीज़ आप देखिए पहले। अब देखिए इस तरह का अगर कोई डायग्राम बनाना हो तो इस पर एक ट्रायंगल आपको सीधा है, फिर दो ट्रायंगल आपके उल्टे आ जाएंगे, फिर एक सीधा आ जाएगा, फिर देखो एक नंबर ये जो ट्रायंगल जो है आपका, इसको मैं नंबर आपके लगा देता हूँ, जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया एक नंबर, फिर ये दो नंबर उल्टा, एक ट्रायंगल, तीसरा उल्टा और एक ट्रायंगल आपका ये चौथा, चार ट्रायंगल आपके हो गए। तो इसको देखो कोडिंग के रूप में अगर हम देखें तो अगर हम समझे इस चीज़ को, तो डायग्राम में अगर देखें तो पहला ट्रायंगल हमारा सीधा है, फिर दो उल्टे हैं, फिर सीधा है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। मतलब मैंने क्या कहा, पहला सीधा है, सीधे का कंसेप्ट मतलब सीधे का मतलब कॉलम बढ़ते हुए, उसको मैं सीधा बोल रहा हूँ, और उसके अंदर क्या प्रिंट कर रहे हैं हम लोग, स्टार। फिर उसके बाद में कॉलम कैसे उल्टे है, उल्टे का मतलब आई से फाइव धीरे धीरे कॉलम क्या होंगे, कम होंगे, लेकिन उससे मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, डैश। फिर वापस से वही सेम एज इट इज, एक और यही का ये सेम उल्टे वाला मैंने दो लगा दिए, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना पड़े, इजी वे में ये हमारा इस तरह के दो जो है ये ट्राइंगल हमारे स्पेस वाले आ गए। अब ये आ गए, अब इसी तरह से एक ट्रायंगल जो है वन से आई हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा वापस सीधा हो जाएगा। अब देखो ऊपर वाला हिस्सा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो तैयार हो गया ऊपर के दो ट्रायंगल और बीच में स्पेस आ गया, स्पेस आप हटा देंगे तो बटरफ्लाई आपकी तैयार हो जाएगी। अब ये सेम ही कोडिंग हमें नीचे वाले हिस्से में करनी है। अब नीचे वाले हिस्से में अगर कोडिंग में देखें तो पहला उल्टा ट्रायंगल प्रिंट हो रहा है, दो सीधे फिर उल्टा, तो इसका मतलब ये हो गया कि पहला आपका उल्टा है, फिर दो आपके सीधे हैं, सीधे का मतलब कॉलम बढ़ते हुए, सीधे का मतलब ये नहीं है कि आपको लूप प्लस या माइनस का चलाना है, इसका मतलब आपका ये सीधा हो गया। तो वापस से देखें पहला जो है आपका इसके अंदर नीचे वाले हिस्से के अंदर, वापस से देखें उल्टा फिर दो सीधे फिर उल्टा, वापस से बोल के बताता हूँ, देखो नीचे वाला जो हिस्सा है ये तो हुआ हमारा ऊपर वाले हिस्से का, और ये हमारा नीचे वाला हिस्सा, इससे पहला है उल्टा, उल्टा मतलब आई से शुरू करो आप फाइव पे, इसको मैं उल्टा कह रहा हूँ, कॉलम करते हो, और उसके अंदर हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, स्टार। फिर दो कैसे हैं, सीधे, सीधे का मतलब वन से शुरू कर रहा हूँ और इसको कहाँ ख़त्म कर रहे हैं, आई पर, और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पेस, स्पेस में इस बार मैं डैश नहीं लिख रहा, और फिर वापस से वही सेम डैश, और फिर हमें एक कैसा देना है, उल्टा। तो देखो ये एक बटरफ्लाई जो है ये कॉपी मैंने किया और यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ये आपकी तैयार होगी बटरफ्लाई। अब इसके अंदर ये स्पेस हटा देंगे तो ये इस तरह से आपकी शेप, मतलब कोई भी शेप आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं।